शांति अव्यक्ति मास में स्मृति दिवस 18 जनवरी जैसे जैसे समीप आता है, ऐसे अनेक प्रकार की स्मृतियों को जागृत करता है। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी हमेशा अपना अनुभव सुनाते थे कि किस तरह बाबा ने विशेष उनको बंबई से बुलाया था और मनमोहिनी दीदी कुंभ मेले में इलाहाबाद जा रहे थे तो बाबा के संग प्रकाशमणि दादी ने 2-3 दिन लगातार साथ में कई कार्य किए। 18 जनवरी के दिन भी सुबह बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बाबा ने सवेरे का क्लास नहीं कराया, परंतु दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। सुबह जितने भी पत्र थे सारे पत्र पढ़े, जवाब भी दिए। हर एक पत्र को बहुत अच्छे से बाबा ने जवाब लिखवाए, साथ ही साथ फिर दादी प्रकाशमणि जी का हाथ पकड़कर भंडारे की ओर भी ले गए, स्टोर भी दिखाए। दादी बार बार सोचती थी कि आज बाबा ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन कितना सामान कहाँ है। सब कुछ दिखाने के बाद फिर जैसे शाम होने लगी तो बाबा ने दादी से कहा कि आज सुबह क्लास नहीं कराया है तो बाबा रात्रि क्लास कराएंगे। सभी को सूचित किया गया, रात्रि क्लास बाबा ने कराया और उस दिन विशेष क्लास में बाबा ने यही सब बातें बताई कि बच्चे सर्व संबंध एक बाप से होना चाहिए। इतना अच्छी तरह से कैसे बाबा के साथ सर्व संबंधों को निभाना है, इस बात के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। और फिर जैसे ही क्लास पूरा करके उठे तो उठ करके बाबा हमेशा खड़े होकर के बच्चों को नमस्ते करते, फिर दरवाजे पर गए। दरवाजे पर जाने के बाद फिर मुड़ करके सभी बच्चों को 3 महावाक्य सुनाए, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव। ये 3 महावाक्य उच्चारण करने के बाद बाबा ने लास्ट के ये शब्द कहे, अच्छा बच्चे विदाई। प्रथम बार ये शब्द उच्चारण किया था बाबा ने कि अच्छा बच्चे विदाई। समझ तो नहीं पाए लेकिन उसके बाद बाबा कमरे में गए, दादी जी साथ में गए। बाबा खटिया पर बैठे ही थे, फिर बाबा से थोड़ी बातचीत करके बाबा लेट गए और दादी जी वहां से निकले। परंतु जैसे दादी जी कमरे में गए, बाबा पुनः अपनी खटिया पर बैठ गए, बाबा को थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था और दादी जी को अपने कमरे में भी कुछ ठीक नहीं लगा तो पुनः बाबा के कमरे में आए तो देखा बाबा खटिया पर बैठे हैं। तो दादी जी ने पूछा कि बाबा कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएं। फिर दादी जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा भाइयों को।
और दादी अपना हाथ देकर बाबा के सामने खड़े रहे। बाबा के हाथ में दादी जी का हाथ था। बाबा बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते देते आंखें बंद हुई। थोड़ा सा हल्का सा एक जर्क आया। दादी जी ने बाबा को लिटा दिया, लेकिन ये जरूर महसूस किया कि बाबा नहीं रहे, क्योंकि हाथ जो बाबा का पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे ढीला हो रहा था और ढीला होते होते एकदम जैसे ढीला हो गया। तो दादी जी यही फील कर रहे थे कि जैसे बाबा दृष्टि देते देते, हाथ में हाथ देते हुए, जैसे सारी शक्ति दादी जी को ट्रांसफर कर रहे थे। और ये तो बाबा ने बाद में कई मुरलियों में ये बात स्पष्ट की कि हाथ में हाथ देना माना बाबा ने सारी शक्तियों को विल किया, सारी जिम्मेवारियों को विल किया, सारी समर्थी बच्चों को प्रदान कर दी। और इस तरह से बाबा जैसे संपूर्णता को प्राप्त हो करके सहजता से अपने वतन उड़ गए। दादी जी एकदम शक्ति स्वरूपा होकर के वहां खड़े थे और उसी समय डॉक्टर वहां पहुंचा और डॉक्टर ने देखते ही कंफर्म किया कि बाबा नहीं रहे, बाबा उड़ गए, चले गए। और दादी जी एकदम शक्ति स्वरूपा बन करके फिर चारों ओर फोन लगाया, सबको सुनाया कि बाबा हम सबके बीच में नहीं रहे, बाबा ने विदाई ले ली है। सभी को आश्चर्य भी लग रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बाबा ने तो ये वायदा दिया है कि बाबा अंत तक साथ रहेगा। परंतु जैसे ही बाबा के पार्थिव शरीर को तैयार करके हिस्ट्री हॉल में लेटाया गया, सारी रात बच्चे बैठे रहे, योग करते रहे, अव्यक्त बाप दादा के पार्ट को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे बार बार शिव बाबा को कह रहे थे, आप हमारे बाबा को ले नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे बच्चे सारे चारों ओर से पहुंचने लगे और 21 तारीख को बाबा का अंतिम संस्कार पांडव भवन के आंगन में ही किया गया। ये शांति स्तंभ यही स्मृति दिलाता कि बाबा कैसे स्तंभ बन करके सभी बच्चों को अभी भी वही शक्ति और सकाश दे रहे हैं। उसके बाद जब बाबा को भोग लगाया गया तो भोग के समय कई प्रकार के प्रश्न जो मन में उत्पन्न होते थे, हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी बाबा से पूछते थे। और उस समय बाबा से यही प्रश्न पूछा कि बाबा अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी। तब बाबा ने बच्चों को यह संदेश दिया कि बच्चे कर्म भोग की और कर्म योग की लड़ाई चल रही थी। कर्म भोग शरीर को कष्ट पहुंचाना चाहते थे, आत्मा को भी दुख पहुंचाना चाहते थे, परंतु कर्म योग इतना शक्तिशाली था और यही योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। कुछ घड़ियों का वो संघर्ष था, परंतु
धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग की विजयी हुई। और इस तरह से विजयी आत्मा बनकर बाबा सहजता से उड़ गए। बाबा हम बच्चों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे निरंतर कर्म योगी बनो और हर वक्त स्वयं के अंदर योग बल को जमा करो, क्योंकि यही अंतिम समय हर प्रकार के कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करने का आधार है। इसीलिए निरंतर कर्म योगी बन करके स्वयं में ये योग बल जितना अधिक हम जमा कर सकते हैं हमें जमा करना है, तभी कर्मातीत स्थिति हमारी सहज बन जाएगी। तो चलते हैं कुछ क्षण के लिए अपने मन को उस परमात्मा की स्नेह भरी याद में समा लेते हैं। आत्मनिश्चय होकर के रुकुटी की मध्य में स्वयं को चमकता हुआ दिव्य सितारा देखे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज मैं आत्मा बाप समान शांति का स्तंभ बनकर सारे विश्व को शांति की किरणें प्रदान कर रही है। मैं आत्मा शक्ति स्तंभ बनकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति की किरणें फैला रही है। मैं आत्मा ज्ञान स्तंभ बन ज्ञान की लाइट चारों ओर प्रवाहित कर रही, चारों ओर प्रवाहित कर रही और पवित्रता का स्तंभ बनकर पवित्रता की शुद्ध किरणें चहुं ओर प्रवाहित होने दे। इसी मनसा सेवा के द्वारा मुझे अनेक आत्माओं में परमात्मा शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति।